वेलकम बैक। अब हम थोड़ा ग्रुप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे काम कर लेते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर स्लाइड में स्पेसिफिकली नेम देख रहे हैं डायनेमिक ग्रुप्स का, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट आपको टू डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा होता है। एक आपके पास असाइंड ग्रुप होता है और सेकंड आपके पास डायनेमिक ग्रुप होता है। हमने स्पेसिफिकली यहाँ पर डायनेमिक ग्रुप्स को क्यों मेंशन किया है, क्योंकि अगर हम माइक्रोसॉफ्ट इंटून के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करें तो नॉर्मली हम यहाँ पर बल्क में अपनी डिवाइसेस एनरोल करवा रहे होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये होती है कि आप बजाय इसके के असाइंड ग्रुप की तरफ जाएं, आप डायनेमिक ग्रुप्स यहाँ पर क्रिएट कर लें और उसके थ्रू अपनी कंप्लीट मैनेजमेंट करवाएं। तो थ्रू आउट द कोर्स हम यहाँ पर जितने भी ग्रुप्स क्रिएट करेंगे इन फ्यूचर भी, वो सारे के सारे हम डायनेमिक ग्रुप्स ही क्रिएट करेंगे और उसके थ्रू यहाँ पर हम वर्किंग करेंगे। तो चलिए अब हम माइक्रोसॉफ्ट इंटून एडमिन सेंटर की तरफ मूव होते हैं और देखते हैं किस तरह से यहाँ पर हम अपने डिफरेंट डायनेमिक ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस वक्त हम अपने माइक्रोसॉफ्ट इंटून एडमिन सेंटर पर आ चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ग्रुप्स की ऑप्शन नजर आ रही है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब हमने बेसिकली यहाँ पर अपने कुछ ग्रुप्स क्रिएट करने हैं, उसके लिए हम न्यू ग्रुप पे क्लिक कर देंगे। ग्रुप टाइप हमारी सिक्योरिटी ही रहेगी और यहाँ पर आप ग्रुप दे दें या नॉर्मली हम अपने एनवायरमेंट में डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप क्रिएट कर रहे होते हैं। तो लेट्स से हम भी यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट्स के थ्रू ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से मैं इसमें आईटी का एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ और डिस्क्रिप्शन मैंने इसकी दे दी है। देने के बाद यहाँ पर आपने आ जाना है मेंबरशिप टाइप्स में और यहाँ से आपने डायनेमिक यूजर ग्रुप ले लेना है। तो यहाँ पर हमारे बेसिकली टू डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स हैं, डायनेमिक यूजर और डायनेमिक डिवाइस। और आगे चल के हम देखेंगे डायनेमिक डिवाइस ग्रुप हमारे किस तरह से यहाँ पर वर्क कर रहा होता है। अभी फिलहाल हम यहाँ पर डायनेमिक यूजर ग्रुप ले लेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर एक डायनेमिक क्वेरी उसको असाइन करवानी है जिसके थ्रू वो यूजर आपका ऑटोमेटिकली इस ग्रुप में एनरोल होगा। तो उसके लिए हम सिंपली एड डायनेमिक क्वेरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आकर आपने उसको प्रॉपर्टी बता देनी है, आपके उस ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होगी, इस पर हम क्लिक करेंगे और बेसिकली यहाँ से आपने अपने उस ग्रुप की प्रॉपर्टी चूज करनी है। चूँकि हम ही अपने डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ से सिंपली डिपार्टमेंट को चूज कर लूँगा और उसके बाद ऑपरेटर यहाँ पर हमने इक्वल्स ले लेना है और इसकी वैल्यू हम उसको बता देंगे जो हमने अपने ग्रुप को नेम दिया है, वो हम इसको यहाँ वैल्यू में दे देंगे। और उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे सिंटैक्स रूल पर आकर क्लिक करना है, तो यहाँ पर वो आपकी क्यूरी जनरेट करके दे देगा। जैसे वो आपको यहाँ पर क्यूरी जनरेट करके देगा, उसके बाद आप इसको सिंपली सेव कर लें और इसके बाद आप क्रिएट पर क्लिक कर दें। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इसने हमें नोटिफिकेशन दे दिया सक्सेसफुली क्रिएटेड ग्रुप आईडी का। और उसके बाद अगर मैं अपने इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर मुझे मेरा आईटी का ग्रुप प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह से आपने अपने एनवायरनमेंट में मल्टीपल ग्रुप्स क्रिएट कर लेने।